अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक पोटैटो पराठा बना रही हूँ। ये चार पोटैटो को मैंने देखे बॉयल करके छोटे छोटे पीसों में काट लिया है। एग आप अपने इस्तेमाल से लें जितनी आपको पराठे बनानी है। ये आधा टेबल स्पून नमक है, एक टेबल स्पून ज़ीरा है और आधा टेबल स्पून जो है पीसी लाल मिर्ची हैं। ये एक पोटैटो को मैंने मैश कर लिया था थोड़ी इसकी बाइंडिंग के लिए। ये हरा धनिया है थोड़ा सा और ये हरी मिर्ची दो मैंने काट ली हैं और थोड़ी सी प्याज चाहिए। तो चलिए इसको फिर बनाना शुरू करते हैं। एक टेबल स्पून से कम मैंने ऑयल लिया है, बहुत ऑयल की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब ये जो थोड़ी सी प्याज थी, बहुत छोटी प्याज मैंने काटी थी, तो इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेते हैं। देखिए प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब इसको ये पोटैटो को भी थोड़ा सा इसमें अच्छी तरह से इसको भी इसमें अच्छी तरीके से फ्राई कर लिए थोड़ा सा। देखिए ये ड्राई मसाले जो हैं, हरी मिर्चें और ये हरा धनिया, इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए ये आधा टेबल स्पून चाट मसाला भी इसमें डालना है। अब ये जो मैंने पोटैटो मैश किया था एक पोटैटो को, देखिए ये भी इसमें, ये थोड़ा बाइंडिंग के लिए होगा तो अच्छे तरीके से पराठा जो है हमारा बन जाएगा। ये देखिए आधा लाइम जूस है, इसको भी इसमें डाल के मिक्स कर लेते हैं। ये तैयार हो चुका है क्योंकि आलू हमारे पहले से ही पके हुए हैं, सारे मसालों को खाली मिक्स करना था। तो ये अब तैयार हो गया है, तो इसको ठंडा करके फिर चलें पराठे बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए ये मैदा है, इसमें मैंने दो टेबल स्पून ऑयल और आधा टेबल स्पून नमक डाल के थोड़ी सी अजवाइन डाल के इसको अच्छी तरह से भून लिया था और ये आधे घंटे से रेस्ट हो रहा है। तो चलिए अब इसके डो बनाना शुरू करते हैं। बहुत बड़ा भी डो नहीं लेना है, पराठे हमें थोड़े पतले ही बेलने हैं ताकि वो अच्छे तरीके से पक जाए। तो ये देखिए इतना बड़ा, ठीक है, चलिए अब इसको बेल लेते हैं। चलिए तो इसको पतला बेल लेते हैं। चलिए देखिए इसको मैंने इतना बड़ा बेल लिया है और ये देखिए ये बहुत मोटा नहीं है, थोड़ा पतला ही है। तो अब इसमें हम ऐड करते हैं पोटैटो को। ये देखिए इसमें ये पोटैटो रख दिए हैं। अब एक ऐड को लीजिए और इसी के बीच में ये इस तरह से, और ये थोड़ी सी ब्लैक पेपर और सॉल्ट है ये भी इसमें। अब ये देखिए इसको, अब सबसे पहले इसको ये देखिए इधर से उठाकर ये इस तरह से, और थोड़ा पानी लगा लीजिए। अब इसको भी इसी तरीके से इस साइड से थोड़ा बंद कर देते हैं। अच्छी तरह से कवर करिए ताकि ये खुले नहीं, और ये दूसरी साइड से इधर पूरा कवर मत करिए, थोड़ा सा ऐसे रखिए, थोड़ा सा इसको हाथ से दबा देते हैं। तो चलिए अब मैं बाकी के भी इसी तरह से पराठे बना लेती हूँ, फिर इसको फ्राई करूँगी। देखिए ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसको मैं इसमें डीप फ्राई करूँगी। चलिए देखिए इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करिए। ये एक साइड से हो गया, अब इसको दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेते हैं। चलिए देखिए अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, अब बाकी के भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। लीजिए एग पराठा तैयार है, एग पोटैटो पराठा। चलिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।